की मौजूदगी का पता चलाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम बेनेडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ये हमारे पास क्यूप्रेस हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। फर्क ये है कि फेलिंग सॉल्यूशन में यूज होने वाला जो क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमने यूज करना है, ये हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम क्यूप्रिक टार्ट्रेट, और बेनेडिक सॉल्यूशन में यूज होने वाला क्यूप्रिक हाइड्राइड्स हमें ऑब्टेन होता है क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स से, जो हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड जो उनको फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपली एल्डिहाइड्स को अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हीट करें, तो हीट करने से अगर हमारे पास ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएं, तो वो वजह होती है क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। तो हमारे पास Cu2O टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हो रहे होते हैं, और ये फॉर्म तभी होंगे अगर टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एल्डिहाइड मौजूद होंगी, और अगर ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बने तो इसका क्लियरली मतलब ये होगा कि टेस्ट ट्यूब में मौजूद कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स नहीं है। रीजंस वही पुरानी, हमारे पास बेनेडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और कीटोन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। यही वजह है कि एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करवाते। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। आपके सिलेबस में इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं बताया गया, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत हो, C5Fe(N)6Na2O, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का टेस्ट है, एक ये कॉम्प्लेक्स है। ये वो वाइज टेस्ट है आपके सिलेबस में जो सिर्फ कीटोन्स देंगे, एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। और इसमें होता क्या है कि कीटोन्स को जब आप सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट के साथ टेस्ट ट्यूब में ऐड करवाते हो, हीट करते हो, तो वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जो इस बात को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में कीटोन्स मौजूद हैं, एल्डिहाइड मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर यूजेस हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, आप उन्हें रीड कर लेंगे, बुक में मेंशन है उन यूजेस में से काफ़ी सारे यूजेस मेंशन है वहाँ पे, तो बड़े इजी से यूज़ हैं, आप उनको स्टडी कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो यूजेस आ सकते हैं, शॉर्ट में भी यूजेस आ सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यूज जेन में रखना है आपने कि एल्डिहाइड्स को हाई क्वालिटी मिरर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिपोजिट सिल्वर ऑन द टेस्ट ट्यूब। एक्सरसाइज की हम बात करें तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आपकी असाइनमेंट है, उसमें आप एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन तकरीबन सब के सब हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम चैप्टर्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ कन्वर्जन मेंशन है, कुछ कन्वर्जन मैं यहाँ पे सोल्व करके दे रहा हूँ आपको, कुछ कन्वर्जन आपकी असाइनमेंट होंगी, आपके जिम्मे हैं, आपने वो खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है कि एसीटोन को कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। एक बात ध्यान में रखें, जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करनी हो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ानी हो, तो ज़हन में ये चीज़ आपने ज़हनशीन कर लेनी है कि आप यूज करोगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट को, और एल्काइल अल्केन से अल्कोहल में जाने के लिए आप ऑक्सीडेशन करोगे, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन्स में जाने के लिए आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, अल्कोहल या एल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए भी आप ऑक्सीडेशन करोगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन में आना है तो आप रिडक्शन करोगे, एल्डिहाइड या कीटोन से अगर आपने अल्कोहल्स में आना है फिर से आप रिडक्शन करोगे, और अगर कीटोन्स और एल्डिहाइड से फिर से आपने अल्केन में आना है तो भी आप रिडक्शन करोगे। ऑक्सीडेशन की बात इसी लेक्चर में हमने डिस्कस की है, रिडक्शन की बात प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं हम, तो एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बनाना है, एसीटोन में हमारे पास 3 कार्बन हैं
और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में वी हैव फोर कार्बन, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सिंपली ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, हम इसको बड़ी डिटेल से प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारा अल्काइल ग्रुप जो है ये आके इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन फर्दर अटैक करेगी इस मैग्नीशियम पर, और मैग्नीशियम पर अटैक करने के बाद हमारे पास O नेगेटिव Mg पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसकी हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, और एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी जो कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और साथ में मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा रिस्पेक्टिव कंपाउंड यहां पर स्टूडेंट फॉर्म हो गया। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपनल इंटू वन प्रोपनोल। प्रोपनल इंडिकेट कर रहा है हमारे पास एल्डिहाइड है और ओएल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्कोहल्स मौजूद हैं। तो सिंपली हम आज के टॉपिक में भी यह बात डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो हमारे पास अल्कोहल्स बना देंगी। एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करें सॉरी वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देंगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम रिड्यूस करें तो वो एल्डिहाइड्स बनाएंगी। एल्डिहाइड्स को अगर हम रिड्यूस करें तो वो फॉर्म करेंगी अल्कोहल्स। हमने क्योंकि अल्कोहल बनानी है तो हम सिंपली अगर इसको रिड्यूस करें, स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, रिडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऑन द बोथ एंड्स ऑफ डबल बॉन्ड वो ऐड होंगे और हमारे पास रिस्पेक्टिव प्रोपनोल जो है ये प्रिपेयर हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्जन की हम बात करें, प्रोपानोन इनटू टू प्रोपानोल हमने कन्वर्ट करना है। प्रोपानोन इंडिकेट कर रहा है कि कीटोन है और ओएल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सिंपली आपने रिडक्शन करनी है, जहां पर प्रोपानोल के अकॉर्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा उसके बोथ एंड्स पे हाइड्रोजन ऐड करवा देने, वो आपकी मर्जी है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हो या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेटा आप उसकी रिडक्शन करते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मेथनल इंटू एथनल। मेथनल है हमारे पास HCHO वन कार्बन एल्डिहाइड और एथेनल है टू कार्बन एल्डिहाइड। मैंने स्टार्ट में बताया नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए आप रिएक्शन करवाओगे सिंपल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से और आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने एथेनल को प्रोपानोन में कन्वर्ट करना है, बहुत से मेथड्स हैं, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा हुआ है, अगर इनके अलावा भी आपके मेथड कोई माइंड में आए तो आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो एसिड्स बन जाएंगे, एसिड्स को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट बनेगा, और कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करें तो उसके हीट करने से हमारे पास ये वाली चीज सेपरेट होके एसीटोन बना देगी और बाकी की चीज कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करना शुरू कर देगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एथेनल इंटू टू प्रोपानोन करना चाहें तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, आपने रिएक्शन करवाना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से CH3MgBr से, बिल्कुल इसी तरह से, तो आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगा। इथाइन को एथेनल में कन्वर्ट करना है, चैप्टर नंबर 8 में भी हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि हम इसकी सिंपल हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स ऐसे रिएक्टेंट जो वाटर को ऐड करवा सकें, तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनेगी और विनाइल अल्कोहल स्टेबल नहीं होती, ये खुद को रीअरेंज करेगी और उस रीअरेंजमेंट की रिजल्ट में स्टूडेंट आपके पास ऑब्टेंड हो जाएगा एथेनल। नेक्स्ट हमारे पास इथीन से एथेनल में कन्वर्जन करनी है हमने, तो हम इथीन की सिंपल हाइड्रोजनेशन करें तो हमारे पास बनेगी इथेन, और इथेन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्कोहल बनेगी और वो अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। टू टाइम अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर रिस्पेक्टिव एथेनल फॉर्म करना शुरू कर देगी। एथेनल को एथेनॉल में कन्वर्ट करने तो सिंपली रिडक्शन करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो स्टूडेंट आपका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। एथेनॉल को टू ब्यूटानोल में अगर कन्वर्ट करना है, टू ब्यूटानोन में कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले इसकी स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन करें, हमारे पास बनेगी एल्डिहाइड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। एल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल और टू ब्यूटानोल। टू ब्यूटानोल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से, हमेशा ही हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स बनती हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर टू ब्यूटानोन फॉर्म हो जाएगी। लास्ट कन्वर्जन की अगर हम बात करें, मेथानोल को एथानोल में कन्वर्ट करना है तो मेथानोल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास मेथानॉल प्रोड्यूस होती है, और उस मेथानॉल का अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं तो स्टूडेंट्स वी विल हैव
एथानॉल, और एथानॉल की ऑक्सीडेशन करने से वी विल ऑब्टेन एथानॉल। और उसके बाद साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपकी असाइनमेंट होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो आज का हमारा लेक्चर था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो डिफरेंट आपसे डिफरेंशिएशन करने को कहेगा, कहीं पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान, कहीं पर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के दरमियान, कहीं पर एसीटोन और ब्यूटानोन के दरमियान, कहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के दरमियान। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जब भी कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा तो आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट यूज कर सकते हो, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट यूज कर सकते हो। अगर इन कलर के प्रेसिपिटेट्स बने तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, अगर इस कलर के प्रेसिपिटेट ना बने तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ईथर में और अल्कोहल में, ईथर्स में और कार्बोनाइल कंपाउंड में, अल्कोहल्स में और एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप ये टेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट से करवाए, फेलिंग सॉल्यूशन से करवाए, बेनेडिक सॉल्यूशन से करवाए, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई भी एल्डिहाइड इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकती है, लेकिन कोई भी कीटोन इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो टेस्ट ट्यूब में अगर आपके पास सिल्वर मिरर फॉर्म हो, टेस्ट ट्यूब में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बने, तो इसका मतलब आपके पास वो एल्डिहाइड है। और अगर वो प्रेसिपिटेट्स उस कलर के फॉर्म ना हो रहे हो, सिल्वर मिरर डिपॉजिट ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है आपके पास वो कीटोन्स होंगी। और अगर कीटोन्स की वेरिफिकेशन करनी है तो हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आप अपना कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे। अगर वाइन रेड कलर के या ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, इसका मतलब आपके पास गिवन सैंपल, गिवन सॉल्यूशन कीटोन्स था। और अगर वो नहीं होते तो इसका मतलब है वो कीटोन्स के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। यमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।